हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस। तो देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो कुछ रूल्स हैं। रूल फर्स्ट है, पास्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय वाज बीइंग या वर बीइंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय वाज बीइंग या फिर वर बीइंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। रूल टू है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो वाज या वर सबसे पहले लगाते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य आया है तो वाज या फिर वर को सबसे पहले लिखेंगे और उसके पश्चात सब्जेक्ट और फिर बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीइंग, बीइंग के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। रूल थर्ड है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, फिर वाज या फिर वर, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कब, क्यों, कैसे, उसी को प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं। कब, क्यों, कैसे अगर बीच में आया है तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, फिर वाज या फिर वर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। तो देखिए जैसे सेंटेंस दिया है, आई वाज रीडिंग ए नॉवेल। एक्टिव वॉइस दिया है, आई वाज रीडिंग ए नॉवेल, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। तो इसको हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ए नॉवेल, उसके बाद वाज, कंटिन्यूअस में है तो हेल्पिंग वर्ब वही रहता है और उसमें बीइंग ऐड हो जाता है, तो ए नोवेल वाज बीइंग थर्ड फॉर्म V3, तो रीड, रेड, रीड, तो थर्ड फॉर्म रीड ही होगा, रीड, उसके बाद बाई, आई का हो जाएगा मी, तो ए नोवेल वाज बीइंग रीड बाई मी। अगला है, नेक्स्ट है, We were reading Hindi yesterday. एक्टिव वॉइस दिया है, वी वर रीडिंग हिंदी yesterday, हम कल हिंदी पढ़ रहे थे। तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिंदी वाज बीइंग, उसके बाद रीड, रेड, रीड, थर्ड फॉर्म रीड, यस्टरडे रीड, यस्टरडे बाई वी का हो जाएगा अस। एक्टिव वॉइस दिया है, वी वर रीडिंग हिंदी स्टरडे, पैसिव वॉइस बनेगा, हिंदी वाज बीइंग रीड स्टरडे बाई अस। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाज आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा था, क्या मैं एक पत्र लिख रहा था। तो इसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो वाज, इंट्रोगेटिव वर्ड वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए लेटर वाज ए लेटर, उसके बाद
वॉज ए लेटर, उसके बाद बीइंग, बीइंग थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन, रिटन बाय आई का मी, तो वॉज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी, एक्टिव वॉइस दिया है वॉज आई राइटिंग ए लेटर, पैसिव वॉइस बनेगा वॉज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी। अगला है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाई वाज द स्टूडेंट रीडिंग ए नोवेल, व्हाई वाज द स्टूडेंट रीडिंग ए नोवेल, रीडिंग ए नोवेल, विद्यार्थी एक उपन्यास क्यों पढ़ रहा था, विद्यार्थी एक उपन्यास क्यों पढ़ रहा था, तो इसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड तो वैसे ही रहेगा व्हाई, उसके बाद वाज ए नोवेल, ए नोवेल बीइंग, बीइंग उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो रीड रेड रीड, रीड बाय द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, व्हाई वाज ए नोवेल बीइंग रीड बाय द स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस दिया है व्हाई वाज द स्टूडेंट रीडिंग ए नोवेल, पैसिव वॉइस बनेगा व्हाई वाज ए नोवेल बीइंग रीड बाय द स्टूडेंट। तो ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का समाप्त हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।